नमस्कार, इंडिया नाउ 24 में आपका स्वागत है। आइए आज मिलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश सिंह जी की से साथ, जिन्होंने की थी सीएम से शिकायत, जिसमें धान खरीद फरोख में हुआ था बड़ा घोटाला। आइए मिलते हैं दिनेश सिंह जी से। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ था धान के खरीद फरोख में बड़ा घोटाला, और बताएंगे दिनेश सिंह जी सर क्या हुआ था। 19-20 में हमारे पास शिकायत आई थी लखीमपुर जनपद से कि वहाँ धान खरीद में बड़ा भारी घोटाला हो गया है, क्योंकि जो सरकार की का मानक था वो था 20 किलोमीटर अंदर के अंदर धान की खरीद होगी, लेकिन इसमें जो कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलके 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर से फर्जी धान खरीद दिखा दी थी। ये जब पूरा मामला हमारे पास आया तो हमने उसको जब पढ़ा तो हमने देखा कि जो योगी जी की नीति है, पारदर्शी नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर तो ये पलीता लगा रहे हैं सब। तो हमने एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया था और उस पर जाँच बड़ी लंबी चली, करीब 1.5-2 साल हो गया इसको जाँच में। तो आज अखबारों में आया है कि 5 अधिकारी और 7 कर्मचारी 12 लोग सस्पेंड हुए हैं। बाकी तो ज़्यादा कोई हमारा रोल था नहीं, हमने तो शिकायत की थी कि भाई इसकी जान निष्पक्ष जांच कराई जाए, ईमानदारी से जांच कराई जाए, लेकिन इसमें कुछ और अधिकारी कर्मचारी जो संलिप्त थे वो बच गए हैं। अब सरकार क्या करती है, अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं क्या निर्णय करते हैं, अब इसकी निष्पक्ष ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और जिसमें सरकार की जो नीति है, योगी जी की जो नीति है पारदर्शी सरकार की, किसानों को लाभ पहुंचाने की, वो परिपूर्ण हो सके, इसी उद्देश्य से हमने ये जाँच कराई थी। अब आगे जो है सरकार निर्णय करेगी कि इसमें आगे क्या करना है, कौन लोग और इसमें संलिप्त थे उनकी भी जांच हो। जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं, जांच से संतुष्ट तो है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लखीमपुर जनपद में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, वो योगी जी का ही वो था जिसमें इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। वैसे सरकारें कहाँ कार्रवाई करती हैं, कई अधिकारी, 5 बड़े अधिकारी जिले स्तर के सस्पेंड हुए हैं, कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, तो कार्रवाई तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इसमें और तह में जाने की ज़रूरत है। लगभग कितने का मामला रहा होगा ये? लगभग 80-90 करोड़ तो का घोटाला रहा होगा, 80-90 हज़ार करोड़ का, 90 करोड़ का घोटाला रहा है, 1000 करोड़ का। कहते तो लोग हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन अब जो उसका तथ्य हो, जो उसकी तो विवेचना होगी तभी पता चलेगा कितने का घोटाला हुआ, लेकिन 80 से लेकर 100 करोड़ तक का घोटाला हुआ था। 80 से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, 80 से 100 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, 80 से 100 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ, 100 हज़ार करोड़। भाई 1 क्विंटल पे करीब 550 रुपये का घपला हुआ। अब जितनी धान खरीद हुई थे उससे गुणा कर लीजिए। ये कौन से वर्ष के मामले का, कौन से वर्ष का मामला है? ये 19-20 का मामला है, 19-20 के मामले। ठीक है, जांच से संतुष्ट हैं पूर्व एमएलसी दिनेश सिंह जी।